समुद्री पानी को आंख में जाने से बचा ही थोड़ा चरचराता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका स्टेबल जंग के नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुरेश आइडिया। सो दोस्तों, फिलीपींस के प्रोटोपन सीसा के होंडा बेटूर के दूसरे भाग में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि अब हम स्टारफिश आइलैंड से अब हम निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं हम दूसरे आइलैंड की ओर। ये देखिए हम बोट में चढ़ रहे हैं अभी, फाइनली अब हम बोट में आके बैठ चुके हैं और स्टारफिश आइलैंड को अलविदा कह चुके हैं। करीब हम 20 मिनट की और अपनी समुद्री यात्रा किए और हमारे सामने ही आने वाला है ये लूली आइलैंड। चलिए अब चलते हैं, आपको लेके लूली आइलैंड। यहाँ पे हमारी बोट अभी रुकी है, पानी में ही रुकी है, हमें पानी में उतर के जाना पड़ेगा। एक घंटे तक यहाँ पे रुकेंगे जैसा हमारे गाइडर साहिबा बता रही हैं। जी बज रहे हैं 11:42 और हमें वापस आना है 12:30 तक। कैन यू पुट बैग इनसाइड हियर, अदरवाइज गो बैग लीव ये गो। ये देखिए इस प्रकार से उतरना होगा हमें, ये तो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है यार, इस रस्सी के माध्यम से उतरना हो। आप अगर इस टूर पे आ रहे हो तो इस टूर पे अपने लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें अपने साथ रखें। ये एक लोशन और एक सन क्रीम और एक कपड़ा शॉर्ट, क्योंकि यहाँ पे आप भीग वगैरह जाएंगे पानी में। हम तो कह रहे हैं जब हम भीग ही गए हैं तो क्यों ना यहाँ पे पानी में नहाया जाए, समुंदर में। ये देखिए हमारी बोट यहाँ पे लगी हुई है और आंटी जी हमारी बोट में है भाई। करीब आधे घंटे हम इस यहाँ पे रुकेंगे। मैंने अपना जो आईफोन है ना वो अभी इसमें डाल लिया है बैग में, क्योंकि भीगना नहीं चाहिए, अगर भीग गया तो बड़ी दिक्कत होगा। यहाँ पे जो है सब कुछ पानी के अंदर ही है। वेलकम टू लूली आइलैंड। यहाँ पे बियर सोडा अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये है लूली आइलैंड, एक बार मैं इसको बैग कैमरे दिखा देता हूँ। यहाँ पे बोर्ड भी लिखा हुआ है, लूली आइलैंड रूल एंड रेगुलेशन। लेकिन भाई वहाँ पे जाऊँगा तो बहुत पानी है यार। मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ जब इतना भीग ही गए हैं तो क्यों ना और भीग लिया जाए। यहाँ पे भी देखिए लूली आइलैंड के बारे में लिखा हुआ है, कुछ इतिहास पढ़ लीजिए। ये देखिए यहाँ पे भी बन रहा है शायद कुछ टपड़ा रेस्टोरेंट वगैरह। जो पर्यटक हैं यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं। आइलैंड ना भाई समुंदर के बीचों बीच में है। ये देखिए चारों तरफ समुंदर, ये देखें पूरा चारों तरफ समुंदर और यहाँ पे बीच में है। ये आगे कुछ भाई साहब लोग फोटो खिंचा रहे हैं तो हम भी थोड़ा फोटो वोटो खिंचा लेते हैं। लुलिया मांगे ले लुलिया का मांगे ले लुलिया तोरे नियर लमहर भता मांगे ले। ये देखिए लिखा हुआ लाइफ इज ए बीच लूली आइलैंड। यहाँ से कितना अच्छा दृश्य आ रहा है इस लूली आइलैंड का। ये देखिए पूरा मतलब बीच, समुंदर के बीच में एक थोड़ा सा टापू है, वहाँ पे देखिए इन्होंने बना दिया है पर्यटक स्पॉट, इसका नाम है लूली आइलैंड। आप अगर इस पेटो पेंसिसा के होंडावे आइलैंड टूर पे आएंगे तो आपको स्टारफिश आइलैंड घुमाने के बाद आपको दूसरा आइलैंड इस लूली आइलैंड पे ही लेके आएंगे। यहाँ पे देखिए झूला झूलने वाला बना हुआ है तो आप झूल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस साइड से बॉस बहुत अच्छा इन्होंने व्यू बनाया हुआ है आइसलैंड होंडा बे। यहाँ पे प्राइवेट गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, आप यहाँ पे रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। पता नहीं रुकने के लिए है या फिर इन लोगों ने जो यहाँ पे रहते हैं उन लोगों ने प्राइवेट अपने लिए बनाया है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है वेलकम टू लूली आइलैंड। इसका डर था वही हुआ, चड्डी तक नहीं भीगी थी लेकिन अब वो भी भीग गई है। देखो कितना पानी में, ये दिखाने के लिए वेलकम टू लूली आइलैंड। जैसा कि अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत तेज धूप है और पानी में हम कब तक रहेंगे। हम बोट के करीब पहुँच चुके हैं, ये देखिए मजा आया भाई, अलग ही एडवेंचर है। समुद्री पानी को आंख में जाने से बचा ही थोड़ा चरचराता है, ठीक ना, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अब हम आपको लेके जाने वाले हैं एक और आइलैंड, उस आइलैंड का नाम वहीं भी चल के आपको बताएंगे।
आइलैंड से करीब 3 किलोमीटर अर्थात 25 मिनट की समुद्री यात्रा करने के बाद हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव कौरी आइलैंड पे। इस आइलैंड का नाम है कौरी आइलैंड, COWRE। तो यहाँ हमारे लंच का व्यवस्था है, तो चलिए अभी हम आगे लंच करेंगे। भाई साहब हैं ये जो हमारी बोट है उसको किनारे लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अब चलिए चलते हैं नीचे की ओर। आफ्टर दिस वी आर गोइंग गो टू द वार्प। मैं उतर गया हूँ और सभी लोग उतर रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया है कि आप अपने लंच एरिया में जाइए, तो कहाँ पे हमारे लंच की व्यवस्था है वो हम आपको बताएंगे। अभी काफ़ी प्यारा आइलैंड है, आप इस आइलैंड को देखिए, ये देखिए। हम जा रहे हैं लंच करने क्योंकि समय बज गए हैं 12:40। इनकी चड्डी तो ये देखिए यहीं हम बैठेंगे और ये देखिए हमारा लंच यहीं पर लगेगा। हमारा लंच आ चुका है, वेजिटेरियन है और हमारा वेजिटेरियन है। तो इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें ये शायद बीन्स है, फ्राई, खीरा, टमाटर, बैगन और ये शायद कुछ शायद फ्राई है, साग वगैरह, ठीक है, और ये फ्रूट्स हैं। तो अब भूख तगड़े लगी है, तो चलिए फटाफट खा लेते हैं फिर मिलते हैं। Short and done, dive guys like way above us going. तो भाई लोग यहाँ से अब खाना पीना खा लिए हैं, अब चलिए थोड़ा चलते हैं आपको इस कुई आइलैंड का टूर कराने। इधर की ओर सामने मेरे रेस्ट रूम है, मतलब बाथरूम वगैरह है, नहाना वाना चाहे नहा सकते हैं। हमारी बेट उधर है 30 नंबर, 24, 48। तो ये देख लीजिए इस प्रकार यहाँ पे टपरे बने हुए हैं, यहाँ पे आप बैठ के रिलैक्स फरमा सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फोटो वगैरह खींच सकते हैं। आगे अभी उस जगह पे भी ले चल रहा हूँ जिस जगह पे बोर्ड बना हुआ है वेलकम टू कुई आइलैंड। यहाँ पे खेलने के लिए वॉलीबॉल वगैरह खेलने के लिए भी बना हुआ है। रात को रुकने का यहाँ पे कोई व्यवस्था तो भी नहीं है, सोलर लाइट लगी हुई है बस। 20, 22, 21, 30 कहाँ है, इधर होगी शायद लास्ट में। यहाँ पे नारियल पानी मिल रहा है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये इधर की ओर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन काउंटर है, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं आइलैंड के बारे में। यहाँ पे चाय, चिप्स, कुरकुरे, पानी बॉटल वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। और बात कर रहा था मैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेलकम टू कुई आइलैंड, कुई कुई। इसको बैक कैमरे से आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देख लो, ये है प्रीटो पेंसिसा का कुई आइलैंड। पूरा ये कुई आइलैंड का अंदर का व्यू है। यू हैव अ कोकोनट वाटर? तो यहाँ पे ये नारियल पानी का दुकान है, तो मैं अभी यहाँ से नारियल पानी पीने की योजना बना रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ से नारियल पानी पीऊँगा। 60 पैसों मतलब फिलीपींस रुपए का यहाँ पे नारियल पानी है। अब कोई आया देने वाला तब ना हमको दे। कितना बड़ा नारियल है भाई साहब का पे। तो भाई काफ़ी अच्छा, मतलब 60 पैसों का नारियल पानी है और मैं भी 20-30 पैसों का पानी बॉटल होगा, तो मैंने नारियल पानी ही पीना उचित समझा। पूछिए क्यों, क्योंकि नारियल पानी अच्छा है और इतना पानी है इसमें कि एकदम प्यास बुझ जाएगी। नारियल पानी पी के हम यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। CCTV कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे भाई। मेरे पीछे दो कन्याएं थी, तो वहाँ उनसे बोल के मैंने फ़ोटो खिंचवा लिया है। ये लाइफ गार्ड हैं, अगर यहाँ पे मतलब कोई हलचल आती है या बड़ा तूफान या बाढ़ वगैरह की संभावना आती है तो ये अलर्ट कर देंगी आपको, या आपकी रक्षा के लिए हैं। और इधर की ओर पूरा समुंदर में लोग नहा रहे हैं, आप भी नहाना चाहें यहाँ पे तो नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गीला सिकवा नहीं है, बट स्विमिंग के कपड़े वगैरह लेके आएँ। अभी समय हो रहे हैं 2:13 और मेरा बोट जाने का टाइम है 2:40, तो अभी मेरे पास पर्याप्त मात्रा में समय है और मैं चाहूँ तो नहा भी सकता हूँ, और नहीं नहाना चाहूँ तो नहीं नहाऊँगा, क्या कर लोगे कोई भाई।
फिलहाल बीच देख लीजिए, उसके बाद हम ये देखिए। वेलकम टू कुई आइलैंड। महिला मित्र होती तो साथ में जाते भी नहाने एकदम, लेकिन यहाँ पे क्या नहाए। तो भाई लोग यहाँ फोटो खिंचा लिया, चलिए अब कैमरा उठाते हैं अपना। टाइम बज रहे हैं 2:32 और हमारा 2:40 का टाइम था, तो हम जा रहे हैं अपनी बोट की तरफ। भाई ये बोटें पूरी लगी हुई हैं, देख सकते हैं पूरी नावें हैं। हम ढूंढते हैं अपनी बोट नंबर 30। हाँ 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 30107 30 किधर है यारा? 30 शायद आगे हैं। ये देखिए खाली है भाई, अभी हमारे बोट पे कोई नहीं है। ये देखिए हमारी बोट नंबर 30। वही हमारा बोट नंबर 30 के सामने इसकी टपरा बना, इस टपरे के अंदर अभी हम बैठेंगे छाए में, और जैसे ही हमारे ग्रुप के पूरे सदस्य आ जाते हैं हम आगे बढ़ेंगे। बने इधर की ओर देखिए, कंफर्ट रूम है, उसके बगल में ही शॉवर रूम है। मुँह हाथ धोना है तो जाके धो सकते, तो मैं जा रहा हूँ धोने। यहाँ से अपना हाथ पाँव धो सकते हैं, मैं भी धो रहा हूँ। तो हमने यहाँ से अपना हाथ पाँव धो लिया है, हालांकि पानी बहुत खारा है, समुद्र का ही है, क्या करें। चलते हैं आगे, हम चलते हैं अपने बोट में। तो अलविदा कहते हैं अब इस होंडे पे टूर के लास्ट और आखिरी आइलैंड कुई आइलैंड को। जैसा का भी समय हो रहे हैं 2:58 और अभी हम यहाँ से होंडाबे आइलैंड टूर का लास्ट और आखिरी आइलैंड क्यू आइलैंड घूमने के पश्चात अब हम निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं वापस हमें जहाँ से हम बोट में चढ़े थे, ये मुझे वहीं बोट में ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद हम जाएंगे कैब में होटल अपने। आइलैंड से करीब 15 की समुद्री यात्रा के पश्चात हम आ गए हैं अपने जेट्टी पे, जहाँ से हमने इस टूर की शुरुआत की थी। ये देखिए तो खान आने वाला लगता है। ओए ओए यहाँ तो एकदम मस्त है। तो ये देखिए जैसा कि मैं तो उतर चुका हूँ, और धीरे धीरे हमारे बोट के सभी सदस्य उतर रहे हैं। अब चलिए चलते हैं आगे। कौन सी है हमारी गाड़ी? अरे कृष्णा, देखिए हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई है और ये ड्राइवर साहब है। क्या होना प्यारे है, कहो ना प्यार है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, क्या हो ना प्यारे है, से दैट यू लव मी। नाइस, थैंक यू ये भाई, और थैंक यू जसंद्रे, थैंक यू प्रोफेसर योर वाइफ। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? एक बार और देख लीजिए, यहाँ से वो हमारी बोट है, वहाँ से भी हम उतर के ऐसे से पैदल चल के यहाँ आ गए अपने वैन में। टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस। यो ब्लॉगर सर? या ब्लॉगर। ब्लॉगर? क्या हो ना प्यार है तुम से, क्या हो ना प्यार है इससे, दैट यू लव मी राइट? या टू लव आई स्पीक इन द आर्टिकल। कुछ कुछ होता है ये सॉन्ग, कुछ कुछ होता है। तुम पास आए, तुम पास आए, क्यों मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या क्या सपने देखे। थैंक यू बाहुबली। सो हम आ गए हैं अपने वैन में, अभी हमें वैन हमारे होटल ड्रॉप करेगी। यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं, यहाँ पे ये देखिए खड़े हैं, ये लोग अपना कुछ बेच रहे हैं आर्टिफिशियल। तो जैसे मेरे को देखा, उन्होंने गाना सुना, कहो ना प्यार है, कुछ कुछ होता है।
लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिलहाल मैंने कुछ नहीं लिया है। समय समय 3:14। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ड्राइवर साहब ने गाड़ी रोका है और यहाँ हमारे शूज जो है वो हम जमा कर रहे हैं अपने, जो कि हमने किराए से लिया था। अब चलिए चलते हैं, फिर से बैठ जाते हैं। बाय बाय। दोस्तों जैसा कि हम सुबह 8 बजे यहाँ से गए थे और अभी समय बज रहे हैं 3:46 और हम आ गए हैं वापस अपने रिजॉर्ट में। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए आ गए हैं हम अपने रिजॉर्ट में। चलिए हम ऊपर चलते हैं। पहुंच गए हैं अपने होटल रूम में। जैसा कि अब इस टूर की बात करें, हम किस टूर पे अभी एक्स्ट्रा मेरा कितना पैसा खर्चा हुआ, जो 1600 फिलीपींस रुपीज का जो पैकेज लिया था जिसमें 3 आइलैंड कवर था, इंक्लूड आपके रिजॉर्ट या होटल से पिकअप और ड्रॉप और खाना पीना बोट किराया सब कुछ, तो वो सब कुछ फ्री था। सिर्फ मेरे कितने खर्च हुए, 150 रुपये। 150 फिलीपींस अभी क्यों खर्च हुए बताऊँ, तो देखिए 1900 फिलीपींस का पैकेज है, लेकिन वो डिस्काउंट करके आपको 1600 फिलीपींस में ले जाते हैं, तो आप उनसे डिस्काउंट कर लीजिएगा। मैं नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ओके, तो इसी के साथ फाइनली पूरा सही सलामत घूम के आ गए हैं। सुबह करीब 8 बजे निकले थे हम अपने रिजॉर्ट से और अभी बज रहे हैं 3:51 और हम वापस आ गए अपने रिजॉर्ट में। तो इसी के साथ आज का ये फिलीपींस के पोर्टो प्रिंसेसा का होंडा बे आइलैंड टूर का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ये था हमारा आज का फिलीपींस के पोर्टो प्रिंसेसा के सबसे फेमस टूर होंडा बे आइलैंड टूर का वीडियो और कुछ जानकारियाँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना या कुछ सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अर्थात अगली वीडियो में एक और नई जगह साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, जय। हमारी बहन आ गई है और हम निकल रहे हैं लेडो के लिए। हमारे ड्राइवर साहब ने गाड़ी एक ढाबे पे रोकी है फ्रेश वगैरह होने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, ठीक है। तो ये ढाबा है, देख लीजिए। तो ये देखिए, ये पूरा है ढाबा है।